हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स रिलेटेड ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी लेकर आए हैं। और दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि किंग कॉमिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 1995 के आसपास राज कॉमिक्स अपने लोकप्रियता के चरम पर था। इसी समय राजा पॉकेट बुक्स की एक और इकाई किंग कॉमिक्स की शुरुआत हुई। किंग कॉमिक्स ने कई देसी किरदार भारतीय जगत को दिए। लीजा, अभेद्य, वक्र, वेगा, गमराज, हंटर शॉक और ब्लाइंड डेथ उनके कुछ प्रमुख पात्रों में से एक थे। और आज हम इसी ब्लाइंड डेथ की ओरिजिन स्टोरी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किंग कॉमिक्स के पहले सेट में ब्लाइंड डेथ की पहली कॉमिक्स आई। नाम था ब्लाइंड डेथ इशू नंबर 003। संपादन किया था विवेक मोहन जी ने, लेखन था नाजरा खान जी का और चित्राकरण दिलीप चौबे जी का। पहली कॉमिक्स में ब्लाइंड डेथ की ओरिजिन स्टोरी नहीं बताई गई। इसमें ब्लाइंड डेथ की भूमिका बांधी गई और उसका इंट्रो बताया गया। प्रोफेसर कैलाश वर्मा को ब्लाइंड डेथ का मेंटर बताया गया। प्रोफेसर कैलाश वर्मा के उत्साहवर्धन और गाइडलाइन में अजीत नाम के इंसान ने अपनी साधना और एकाग्रता के बल पर अपनी इंद्रियों को इस तरह साधा कि वह अंधे होते हुए भी एक कुशल क्राइम फाइटर बना। दूसरी तरफ क्राइम स्कूल नामक की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया, जो कि बच्चों को किडनैप करके उन्हें ड्रग्स देकर उनका ब्रेन वॉश करके घातक ट्रेनिंग देकर क्रिमिनल बनाते हैं और देश में होने वाली आतंकी घटनाओं में उनका विशेष हाथ होता है। इसी क्राइम स्कूल के कारण प्रोफेसर कैलाश वर्मा का परिवार बर्बाद हुआ था। साथ ही इसी क्राइम स्कूल से अजीत का भी अतीत जुड़ा हुआ होता है। अपने अतीत के राज को जानने और क्राइम स्कूल की तबाही के लिए अजीत बनता है ब्लाइंड डेथ। अपनी दूसरी कॉमिक्स इशू नंबर 9 क्राइम स्कूल में ब्लाइंड डेथ, प्रोफेसर कैलाश वर्मा और एक रहस्यमय नकाबपोश ने मिलकर क्राइम स्कूल और क्राइम मास्टर को तबाह किया। इसके बाद उसी अगली तीसरी कॉमिक्स इशू नंबर 20 वन मैन आर्मी में ब्लाइंड डेथ के अतीत का राज पता चला। दरअसल अजीत बचपन से ही अनाथ होता है और क्राइम स्कूल के द्वारा उसे उठा लिया जाता है। साथ ही घातक ट्रेनिंग और नशीली दवाओं के बीच उसे बनाया जाता है एक हिंसक और खतरनाक क्रिमिनल। क्राइम स्कूल का नंबर वन स्टूडेंट बनकर वह आतंकी घटनाओं में अजीत शामिल होता है। ऐसे एक मिशन में अजीत के रास्ते आता है रमेश वर्मा और रमेश को हटाने के लिए अजीत उसके परिवार को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। और वो परिवार होता है रमेश के पिता प्रोफेसर कैलाश वर्मा, रमेश की माँ और छोटी बहन। जी हाँ, प्रोफेसर कैलाश वर्मा परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं, अजीत ही था। क्राइम मास्टर के अड्डे पर पुलिस और क्राइम स्टूडेंट की मुठभेड़ होती है जिसमें सभी मारे जाते हैं। क्राइम मास्टर, अजीत और प्रोफेसर कैलाश वर्मा बच जाते हैं, लेकिन इस हादसे में अजीत की आंखों की रोशनी चली जाती है। प्रोफेसर कैलाश वर्मा अजीत में अपने बेटे राजेश को देखते हैं, लेकिन उसे सुधारने का और क्राइम स्कूल की तबाही बनाने के लिए उसका ब्रेन वॉश करते हैं। 3 साल के कोमा के बाद अजीत को होश आता है और अपनी साधना और लगन के बल पर वह एक अंधी मौत बनकर खड़ा होता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि वह रहस्यमय नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि क्राइम मास्टर की बहन एंजेला होती है। इस तरह अपने रक्त रंजित अजीत को अतीत को जानकर अजीत प्रण करता है कि जब तक वह जिंदा है अपराध और अपराधियों के लिए अंधी मौत बनकर रहेगा। अजीत उर्फ ब्लाइंड डेथ जन्म से अंधा नहीं है बल्कि एक हादसे के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई, इसलिए उसने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना ली। उसने अपनी बाकी इंद्रियों को कुछ इस तरह साधा कि वह आंखों वालों से भी ज़्यादा तेज है। चमगादड़ की तरह उसकी बैड सेंस उसे कुछ भी देखने की अनुभूति देती है। उसकी सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति उसे एक कुशल क्राइम फाइटर बनाती है। वह मार्शल आर्ट की सभी कलाओं में मास्टर है और तलवार के साथ ही मशीन गन जैसे हथियारों को चलाने में ट्रेंड है। हथियार के रूप में वह अपने साथ एक ब्लाइंड स्टिक यूज़ करता है जो कि तेज इलेक्ट्रिक शॉक उत्पन्न करती है। ब्लाइंड डेथ के सहायक किरदारों में प्रोफेसर कैलाश वर्मा, एंजेला, इंस्पेक्टर खान, रागिनी एवं ब्लाइंड स्कूल के छात्र हैं। पहले ब्लाइंड डेथ राजनगर में प्रोफेसर कैलाश वर्मा और एंजेला के साथ रहता था, लेकिन दोनों की मौत के बाद वह महानगर किंग सिटी में आया और फिर वहां से दिल्ली में आया, जहां पर तिरंगा की मदद से वह नेत्रहीन रागिनी और उसके ब्लाइंड स्कूल के छात्रों की देखरेख करता है। किंग कॉमिक्स में ब्लाइंड डेथ की कुल
10 कॉमिक्स से प्रकाशित हुई। आखिरी कॉमिक्स का नाम था मिस्टर हत्यारा। इसके बाद काफ़ी अरसे के बाद तिरंगा के साथ अंधी दुनिया और कहाँ छिपा है कातिल कॉमिक्स में और कोबी भेड़िया के साथ काला भेड़िया में ब्लाइंड डेथ नज़र आया और अब वह सर्व आगमन कॉमिक्स से सर्व नायक सीरीज में भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो ब्लाइंड डेथ की ओरिजिन स्टोरी पर। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जैसे भी पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही कॉमिक से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएँ। साथ ही ये भी बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इस वीडियोज़ में कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। हमसे और भी अपडेट लेने के लिए आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।